लगी थी मायरा, कल दिखाना जरा कहाँ पे मायरा को कांच लग गई थी, खून कहाँ से आई थी, दिखाओ जल्दी से, दिखा दो सबको, दिखा दो। यहाँ ब्लड आ गया था, कौन से कलर का ब्लड आया था मायरा कल? रेड कलर का आया था। यहाँ पे ना मायरा को कल चोट लग गई, कांच कूद रही थी, तमन्ना वहां पर ना कूद रही थी एकदम से, ना ऐसे करने लगा आ, आ, देखा तो पूरा खून खून, वो तो ज्यादा डीप नहीं लगा था। कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं। इसकी डांट पड़ी है और इसको हंसी आई है, क्या हुआ? तू गिर क्यों गई बेड पे बैठी बैठी? नीचे तो बैठी थी। हैं? नीचे तो बैठी थी। नीचे बैठी थी, खा कसम। एक तो इसकी हंसी ना गिर गिर के निकलती है। मायरा सेट हो गई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे सेसी व्लॉग्स। तो इस पैकेट में है कुछ सामान जो उस दिन मैंने थोड़ा सा दिखाया था व्लॉग में कि मैं मायरा के लिए कुछ ले रही हूँ। चलो पहले सबसे पहले वो शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे कुछ करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे, मतलब नहाएंगे वहेंगे, फ्रेश होएंगे, कपड़े दिखाते हैं आपको क्या लिए। मैंने नॉर्मल घर के लिए लिए हैं, बट फिर भी शेयर करती हूँ, ठीक है? एक ही पजामा लिया है जो पता नहीं मैंने क्यों ले लिया, मुझे समझ नहीं आया। मैं सिर्फ ये टी शर्ट ही ले लेती हूँ, इसको ना मैं वापस कराऊंगी। मैं इसकी जगह मैं दूसरी एक और ऐसी टॉप ले आऊंगी, पजामा बेकार है, इसको जीन्स के साथ पहना सकते हैं हम, है ना? शर्ट के साथ मुझे तब भी अजीब लग रहा था, पता नहीं मैंने क्यों सेट बनाने के लिए ले लिया। इसको रख दे, वो कह रहा था टैग मत निकालना चेंज हो जाएगा, तो ये रहने दे। और ये इसने ना ड्रेस नपवाई ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको छोटी तो नहीं हो? नहीं नहीं, ठीक है, छोटी नहीं लग रही, मुझे तो बहुत छोटी लग रही, मुझे नहीं लग रही, नहीं। एक ये वाली फ्रॉक ली, उसके साथ एक अंडरवेयर भी मिल गई, कॉटन की है प्योर, और एक ये ले ली इसके साथ भी। देखिए मुझे सबसे सही पता है क्या लगा सबके साथ ना, पैंटी भी थी। ये क्या है पैंटी में? इसको चेंज करके ना एक और ऐसा एक और कलर का थोड़ा वो भी शेयर कर रही है, लो शेयर कर दो वहाँ पे गाइस को, बोलो गाइस देखो व्हाइट फ्रॉक मारा सामने, तो मुंह करके दिखाओ और चड्डी का बोलो कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना ब्यूटीफुल? ये भी तो लगा के दिखाओ, ये वाली गाइस देखो, ये फुल एनर्जी में होती है ना तो ऐसे करती है। बोलियो कुछ अच्छा चाची को करके दिखा दो, अच्छा चाची को ढोल लीरा करके दिखा दो, ढोल लीरा कर दो, समझदार ए सुन, ए सुन, ए नीचे गिर गई। डांस करके दिखा रही है, ये क्या कर रही है? डर गई, डर गई। मारे ढोल लीरा कर दो चाची को, काम डाउन, लंबी सांस लो, ऐसे करो, करो बेटर बेटर, चुप्पी हो गई है तो अगर चाची ने दिया है तो थैंक यू तो बोल दो, रहने दो वापस ले लो, इसने नहीं बोला थैंक यू, वापस ले लिया ना डब्बा। क्या है इसमें, खाओगे तो ही खोल, इसको पूरा पंगा लेना भाई, क्या ही है? स्मेल सो गुड। अब लग रहा है मेरे घर का भी बैंड बज गया, मतलब पहले मैं ही खा लेती हूँ फिर बताती हूँ अपनी दुखद भरी कहानी। सो गई थी मैं ये कह कर कि मेरी कमर में पेट में पैरों में दर्द हो रहा है डाउन की वजह से, उठी हूँ तो मेरे गले में भी हल्का हल्का दर्द है, मतलब स्टार्टिंग हुई है बिल्कुल।
ऐसे जब करते हैं ना तो दर्द हो रहा है मेरे को, कोई खांसी नहीं है, कोई कोल्ड नहीं है, फीवरिश नहीं फील हो रहा, बट गले में दर्द है। तो मैंने भी एजिथ्रोन खा ली, और ये पेन मम्मी को भी सुबह से हो रहा है। बारिश इतनी हुई नहीं है जितना बारिश का ड्रामा हो गया है, मतलब इस बारिश ने ऐसा लग रहा है जैसे हाथ पैरों में पेन कर दिया है। पता नहीं अभी मेरा मिथ है क्या है, कितने लोगों को ऐसा फील हो रहा है ये दिल्ली में जो एकदम भयंकर गर्मी के बाद जो एक दो दिन मतलब एक दो रातों की जो बारिश हुई है उससे ये हो रहा है। पहले जसमीत को फीवर, फिर मायरा को कोल्ड, मम्मी को सुबह से गले में दर्द लग रहा था, मुझे भी लगने लग गया। तो मैंने दवाई खा ली है, वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डाउन का ही बस मुझे थोड़ा सा कल पेन था तो मैं सो गई थी। और अभी बस मैंने गीज़र लगाया, नहाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती, और मैं सोच रही थी सर से नहाने का, बट अभी सर में ऑयल है, बट अभी जिस हिसाब से मेरे को मेरी तबीयत लग रही है कि ख़राब ना हो जाए तो मैं सर तो अभी नहीं धोऊंगी, मैं बॉडी से ही नहाती हूँ, नहा कर आती हूँ। और मैंने तमन्ना को बोला है चावल भिगोने के लिए, क्योंकि सोच रही हूँ चावल बना लो, आप कहोगे गले में दर्द है चावल, तो ठीक है गरम गरम पुलाव खाएंगे। और कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मम्मी कह रही मुझे नहीं समझ आ रहा क्या बनाऊँ, मम्मी की भी बेड बजी हुई है, मम्मी को बहुत वीकनेस फील हो रही है, और राइस ही बना लेंगे, देखते हैं कुछ और। जैसे अभी एक चीज़ से हमारे घर में होता नहीं, कुछ ना कुछ और दूसरा बनेगा ही बनेगा। मेरा मन कर एकदम स्पाइसी चटपटे से राइस खाने का, तो वो बनाऊँगी। पहले मैं नहा लेती हूँ, मायरा गई हुई है पार्क, नहा लेती हूँ फिर मिलती हूँ, थोड़ा फ्रेश फील करूँगी, मुझे ना ऐसे ऐसे पसंद नहीं है। ठीक है नहा लेती हूँ। राइस बेचारी था मैं ना, देखो कहाँ पर आ गई तमन्ना, अपना लेटेस्ट फोन तो दिखा दे सबको करेक्ट दिखा मैं ना यहाँ बैठी थी, मैंने कहा नहाने जा रही हूँ, कहती दीदी मेरा ना बिल्कुल दिल नहीं लगता फोन के बिना, सब ऑटो में जाते हैं फोन चलाते हुए, मैं ये जेब में रख के और ऊपर से किसी का फोन आ जाता है ना तो इतनी शर्म आती है इसको निकालने में, क्या शर्म की क्या बात है। बढ़िया फोन है, इसमें फोन आता है तो कैसे तमन्ना इस फोन पर बात करेगी। हेलो, अभी फिर मैं देख रही हूँ फिर कमेंट्स आए हुए, फैन की आवाज़ आ रही है, मैं परेशान हो गई। एक वीडियो पे आप बोलते हो नहीं डिस्टर्बेंस आ रही, फिर दूसरी वीडियो पे आप बोलते हो डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं चलो खैर मैं नहा ली हूँ, चलो किचन में चलते हैं, कुछ बन रहा है देखते हैं मम्मा क्या बना रही है। अभी तो मैंने फैन बंद कर दिया, एसी तो बंद ही है, एग्जॉस्ट की आएगी अब किचन में आपको आवाज़। क्या बन रहा है? सूखी दाल, तो चावल भी सूखे, चावल भी बना रही हूँ ना मैं, चावल आलू पहले चुटकुल मायरा के लिए। क्या है ये? चलो ऊपर आ जाओ, करके खाना कर दिया। कर रही हूँ राइस की तैयारी, और प्याज मैंने छिलकर काट लिए हैं, मटर एंड राइस ये रखे, सब कुछ पहले छील लेती हूँ फिर स्टार्ट करती हूँ।
दही में मैं डाल रही हूँ हल्दी, मिर्ची, ज़्यादा लग रही है मुझे, एंड नमक, टेस्ट कर लेंगे बाद में, ज़्यादा ना हो जाए। एक चम्मच भर कर धनिया पाउडर, थोड़ा छोटा है ये वाला चम्मच, इसलिए। स्टार्ट कर रहे हैं अब हम अपने पुलाव बनाना। अरे मम्मी ने सूखी दाल बनाई थी तो मायरा के लिए बस थोड़ा सा पानी बॉइल करके ये तरी वाली दाल करनी है, मतलब थोड़ी सूखी सूखी नहीं, उससे रोटी खाई जाती है, तो उसके लिए वो कर रही हूँ। और यहाँ चावलों को भी ढक दिया है बस दम पर, ये देखिए, और मायरा का पराठा भी बेल दिया मैंने यहाँ पर। अब बस वो दाल हटाऊँगी कुकर से, यहाँ पे ये तवा रखूँगी और इसको सेकूँगी। और रायता तो पहले ही रेडी कर लिया था मैंने, ये राइस बिल्कुल रेडी है। मम्मी ने तो खाना खा लिया था, बट मैंने कहा थोड़े से खा के देखो कैसे बने हैं, बताओ। तो कह रही हैं ठीक है, दो चम्मच ले लूँगी। अब मुझे ये है कि कच्चे ना हो। राइस बन गए और ये है मेरा डिनर, थोड़ा सा रहता है। और मुझे ना अलग से प्याज, जैसे ऐसे सूखे होते हैं उसके साथ अचार का मसाला चाहिए ही होता है। चलो खाते हैं। क्या करा ये, क्या करा ये, और ये क्या करा है, मुँह में डालते हैं पेन। आओ लिखो, इधर लिखो, ए फॉर एप्पल लिख के दिखाओ। चलो ए फॉर एप्पल लिख के दिखाओ। गाल पे क्या करा हुआ है, ए फॉर एप्पल। इतना बड़ा है, ऐसे लिखते हैं ए फॉर एप्पल। वन लिखो, वन, टू लिखो, गलत लिखा है, ऐसे नहीं लिखते, पहले ऐसे ऐसे ऐसे, उल्टे हाथ से लिख रही हूँ, लिखो अब। बस मम्मा के दिखा दो, ऐसे दिखा दो दांत, नीचे बैठ के दिखाना, हमारा इसमें दिखाना अपने दांत, ई दांत में लगी है। सो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर दीजिएगा, और अगर आपको पीछे से एसी की आवाज आ रही है तो उसके लिए सॉरी, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय कर दो, बाय बाय, ई तो कर दो, ही स्माइल।